यूपीआई पेमेंट सिस्टम को शुरू हुए 4 साल हो गए हैं, बहुत से लोग इसका यूज़ भी करने लगे हैं। फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ॉन हो या फिर आपके पड़ोस की दुकान हो, हर जगह यूपीआई पेमेंट चलने लगा है। लेकिन इस बीच यूपीआई सिस्टम में कई नए बदलाव आ गए हैं, पेमेंट का तरीका भी बदल गया है और कुछ नई सहूलियतें भी आ गई हैं। अब धीरे धीरे वो लोग भी इस सिस्टम को अपना रहे हैं जो पहले मोबाइल पेमेंट को अवॉइड करते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता आज आपको बताऊंगी कि यूपीआई से पेमेंट कैसे करें। मैं बताऊंगी अपने दोस्त या रिश्तेदार को पैसे भेजने का सही तरीका क्या है, कैसे आप बड़ी आसानी से अपने पड़ोस की दुकान में कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं और कैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग का पेमेंट भी यूपीआई के जरिए कर सकते हैं। दोस्तों, यूपीआई के जरिए पैसे भेजना बहुत आसान है, इसलिए जिसने इस सिस्टम को अपना लिया वो पलट कर नहीं देखता है। तो अगर आपने अभी तक इस पेमेंट सिस्टम का यूज़ नहीं किया है तो आइए हमारे साथ शुरू कीजिए। लेकिन पहले देख लेते हैं कि इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यूपीआई पेमेंट सिस्टम यूज़ करने के लिए आपके पास एक बैंक खाता होना ज़रूरी है, क्योंकि इस सिस्टम में पैसा आपके खाते से सीधे दूसरे के खाते में जाता है, बीच में कोई नहीं है। दूसरा, आपके बैंक खाते में मोबाइल नंबर ज़रूर रजिस्टर होना चाहिए, इस सिस्टम का यूज़ करने के लिए ये दूसरी शर्त है। तीसरा, आपके पास बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये नहीं कि बैंक में रजिस्टर्ड नंबर अब बंद हो गया है या फिर किसी और मोबाइल में लगा है। आपके पास स्मार्टफोन भी होना चाहिए। वैसे तो यूपीआई पेमेंट फीचर फ़ोन से भी हो जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ स्मार्टफोन का तरीका ही बताएंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अपने स्मार्टफोन पर ही देख रहे होंगे। यूपीआई पेमेंट का यूज़ करने के लिए आपके मोबाइल में यूपीआई पेमेंट की फैसिलिटीज़ देने वाला कोई ना कोई ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। वैसे संभावना है कि आपके मोबाइल में कोई ना कोई ऐप होगा, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। यूपीआई पेमेंट सर्विस देने वाले ढेरों ऐप हैं, इनमें से कुछ बैंकों के अपने ऐप भी हैं, जैसे SBI पे, बड़ौदा पे, भीम PNB, पॉकेट पेजैप आदि। इनके अलावा थर्ड पार्टी के कई पॉपुलर ऐप भी हैं, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, अमेज़ॉन पे वगैरह। आप इनमें से किसी भी ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से भी गुजरना होगा। ये ऐप आपके मोबाइल नंबर के आधार पर आपके बैंक अकाउंट का अपने आप पता लगाने लेंगे, बस आपको बैंक का नाम बताना होगा। इसके साथ ही आपका बैंक अकाउंट उस ऐप से लिंक हो जाएगा, यानी अब आप उस बैंक अकाउंट से पैसे भेज सकेंगे। लेकिन पैसे भेजने के लिए आपको एक UPI पिन भी सेट करना होगा। जैसे आप ATM से पैसे निकालने के लिए 4 अंक का पिन डालते हैं, उसी तरह से UPI के जरिए पेमेंट करने के लिए आपको एक और पिन डालना होगा। इसे UPI पिन कहते हैं। ये ATM पिन से थोड़ा अलग होता है। जब आप पहली बार UPI का पेमेंट करेंगे तो आपको UPI पिन सेट करना होगा। एक बार UPI पिन सेट हो जाएगा तो आगे फिर उसी पिन का यूज़ करके फटाफट पैसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। UPI पिन सेट करने के लिए आपके पास डेबिट कार्ड का डिटेल होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको इसके लिए डेबिट कार्ड के आखिर के 6 अंक और एक्सपायरी डेट डालनी पड़ेगी। अगर आप UPI पिन सेट करने का तरीका विस्तार से जानना चाहते हैं तो ऊपर लिंक पर टैप कीजिए। तो अब तक आपने अपने मनचाहे UPI ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, अपने बैंक अकाउंट को भी लिंक कर लिया है और UPI पिन भी सेट कर लिया है, यानी आपने कमर कस ली है। तो फिर चलिए मैदान में उतरते हैं। UPI का यूज़ करके आप किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, लेकिन उस अकाउंट की कोई ना कोई पहचान बतानी होगी। आप चाहें तो बैंक अकाउंट नंबर और IFSC का कोड भी बता सकते हैं, या फिर UPI ID डालकर भी पैसे भेज सकते हैं। UPI ID को ध्यान में रखना ज़्यादा आसान है,
जैसे आप किसी का ईमेल आईडी याद रख लेते हैं, उसी तरह से यूपीआई आईडी भी याद किया जा सकता है। अच्छी बात ये है कि अक्सर यूपीआई आईडी में उस आदमी का मोबाइल नंबर ही होता है। जैसे मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर 8765432100 है, तो उसका यूपीआई आईडी होगा 8765432100@UPI। अगर आप और आप सामने वाला एक ही UPI ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो संभव है कि आप अपने मोबाइल के कॉन्टेक्ट चुनकर ही पैसे भेज दें। UPI आईडी के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए आप ऊपर के सजेशन पर टैप कीजिए। तो आइए देखते हैं कि पैसे कैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इसके लिए आप अपने UPI ऐप को खोल लीजिए। खोलते ही पहले पेज में आपको पैसे भेजने का ऑप्शन दिखेगा। आपको सेंड मनी पर टैप करना है। इसके बाद अगले पेज में आपको बताना होगा कि आप जिसे पैसा भेजना चाहते हैं उसकी पहचान क्या है। आप उसका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, उसका अकाउंट नंबर भी भर सकते हैं, या फिर UPI आईडी भी डाल सकते हैं। UPI आईडी को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई पर टैप करने के बाद आपके सामने उसका पूरा नाम आ जाएगा। बैंक अकाउंट के मामले में वेरिफिकेशन नहीं होता है, इसलिए संभल कर सारे डिटेल भरें। अगर आपको पता है कि सामने वाला भी आप ही का ऐप इस्तेमाल करता है, तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि कॉन्टेक्ट से उसका नंबर चूज़ कर लेने के बाद आप पैसे भेज सकते हैं। दरअसल मोबाइल नंबर के आधार पर सिस्टम UPI आईडी अपने आप खोज लेता है। तो पैसा पाने वाले की सही पहचान देने के बाद आपको ये बताना है कि कितना पैसा ट्रांसफ़र किया जाए। आप अमाउंट डाल दीजिए और उसके बाद पेमेंट के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिख दीजिए। ये आपकी सुविधा के लिए होता है, ताकि पासबुक की एंट्री समझ में आ सके। जैसे ही आप इन सूचनाओं को डालने के बाद सबमिट पर टैप करेंगे, आपको UPI पिन डालने के लिए कहा जाएगा। ये पिन आपकी तिजोरी की चाबी है, आप इसे संभल कर इस्तेमाल कीजिए। इसे आपको सीक्रेट रखना है। जैसे ही आप पिन डालकर सबमिट करेंगे, तुरंत पैसा आपके खाते से निकलकर सामने वाले के खाते पे चला जाएगा। इसके बाद आपके पास पेमेंट को रोकने का कोई तरीका नहीं है। तो अभी तक हमने आपको बताया कि दोस्त या रिश्तेदारों को पैसा भेजना हो तो किस तरीके को अपनाया जाए, लेकिन अगर किसी दुकानदार को पेमेंट करना है तो तरीका और भी आसान है। जैसा कि हमने बताया कि पैसे भेजने के लिए UPI ऐप में सामने वाले की पहचान बताना पड़ता है। मर्चेंट पेमेंट के मामले में पहचान बताना बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए QR कोड का इस्तेमाल किया जाता है। दुकानदार अपने काउंटर पर अपनी पहचान बताने वाला QR कोड रखते हैं। इस कोड को हम लोग तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हमारा UPI ऐप तुरंत पढ़कर जान लेता है कि पैसे किसके खाते में भेजना है। दुकानदार को पैसा पेमेंट करने के लिए अपने UPI ऐप को खोलिए और उसमें QR कोड के जरिए पेमेंट का तरीका भी खोजिए। ज़्यादातर ऐप में आपको QR कोड का आइकन दिखेगा, इस पर टैप करते ही स्कैन खुल जाएगा। पेटीएम में तो आप जैसे ही पे आइकन पर टैप करते हैं, आपके सामने अपने आप स्कैनर खुलता है। इसे QR कोड के सामने ले जाकर स्कैन कर लीजिए। सामने जाते ही तुरंत आपके सामने दुकान का नाम आ जाएगा, इसे चेक कर लीजिए। अब आपको जितना अमाउंट पे करना है उसे भरकर सबमिट कर दीजिए। अगले स्टेप में आपको UPI पिन डालना है, इसे एंटर करके सबमिट कर दीजिए। लीजिए, आपके खाते से पैसा दुकानदार के खाते में पहुंच गया। कुछ ही सेकंड में आप दोनों के पास इस बात का SMS आ जाएगा। आगे हम आपको ऑनलाइन शॉपिंग में UPI पेमेंट का तरीका बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर दीजिए। इससे हमें और ऐसे उपयोगी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आप UPI ऐप के जरिए
ऑनलाइन शॉपिंग पेमेंट भी कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। इस तरीके में आपके पास पैसे की डिमांड आती है, बस आपको उस डिमांड को अप्रूव करना है। ध्यान रखिए कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए UPI के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको अपना UPI ID पता होना चाहिए। आप अपने UPI ऐप के माई प्रोफाइल या माई अकाउंट सेक्शन में जाकर अपना UPI ID पता कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में UPI पेमेंट का कैसे यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपने Flipkart से कोई सामान लिया है और आप पेमेंट ऑप्शन वाले पेज में पहुंच जाते हैं। वहां पर आपको UPI का ऑप्शन दिखता है, आप इसे चुन लीजिए। अब आपको अपना UPI ID डालना होगा। अपना UPI ID डालकर आप वेरीफाई पर टैप करें। इसके बाद आपको अपनी UPI ऐप को भी खोलना होगा। जैसे ही आप अपना UPI ऐप खोलेंगे, उसमें सामने ही पेमेंट का एक रिक्वेस्ट होगा। इसमें लिखा होगा कि Flipkart ने आपके पैसे मांगे हैं, क्या आप इसका पेमेंट करना चाहते हैं? अब पैसे का पेमेंट करने के लिए आप अप्रूव पर टैप कर दीजिए। इसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए आपको UPI पिन डालना होगा। जैसे ही आप UPI पिन डालते हैं, पैसा आपके खाते से निकलकर Flipkart के खाते में पहुंच जाएगा। Flipkart को इसकी तुरंत सूचना मिल जाएगी। पेमेंट की सूचना मिलते ही Flipkart में आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा और बस अब आपको डिलीवरी का इंतज़ार रहेगा। आजकल आप कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑर्डर में भी UPI के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने Amazon से सामान मंगाया है और पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुना है, मतलब आपको सामान लेते समय पैसा देना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप कैश ही दें, आप UPI के जरिए कैशलेस ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जब आप डिलीवरी मैन से UPI पेमेंट की बात कहेंगे तो वो आपसे QR कोड दिखाने की बात कहेगा। हर ऐप के प्रोफाइल सेक्शन में आपका QR कोड होता है, आप इसे डिलीवरी मैन को दिखा दें। अगर QR कोड नहीं मिल रहा है तो अपना UPI ID उसे बता दें। आपके QR कोड या UPI ID के आधार पर डिलीवरी मैन आपको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजेगा। ये रिक्वेस्ट आपके UPI ऐप में सामने आ जाएगा। अब इसे अप्रूव करके UPI पिन डाल दीजिए। इसके साथ ही पेमेंट हो जाएगा। हमने इस वीडियो में आपको UPI पेमेंट के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।